नेता के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। तो बिहार में एनडीए की बहार है, सातवीं बार नीतीश कुमार है। भले ही खींचतान हुई, भले ही जेडीयू को मशक्कत करनी पड़ी, भले ही जेडीयू की सीटें कम हुई, भले ही नीतीश कुमार का राजनीतिक रसूख घटा, मगर इन सब के बावजूद अंत भला तो सब भला। मुख्यमंत्री सातवीं बार नीतीश कुमार। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इससे पहले रविवार की सुबह से पटना में हलचल थी। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह बिहार पहुंच चुके थे। बिहार बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। सबसे पहले विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया। तारकिशोर को बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया। बीजेपी विधायक रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गयी। इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे एनडीए की बैठक में। यहां बैठक हुई और तय हुआ कि इस बार भी बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, नीतीश कुमार जी का नाम एनडीए के नेता के रूप में प्रपोज किया और सारे लोगों ने समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया, मुकेश सहनी ने समर्थन किया और जेडीयू ने भी समर्थन किया। सीएम का नाम तय हुआ तो तुरंत ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। मिलकर निकले तो विजयी मुस्कान थी, क्योंकि अंदर तय हुआ था कि भैया दूज के दिन शाम 4:30 बजे सातवीं बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। इससे पहले बिहार की सियासत के तमाम किंतु परंतु थे। सवाल उठ रहे थे कि जेडीयू की सीटें कम आई हैं तो क्या बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसे सवाल नहीं किए गए। बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को और तेजी से हम विकास के पथ पे ले जाएंगे और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरे। तो सीएम तय है, मगर सवाल है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किस दल के कितने मंत्री होंगे। जाहिर सी बात है जेडीयू की सीटें कम है, लिहाजा जेडीयू के मंत्री कम ही होंगे। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।